हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मजोका डाटा टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टाटा BS6 कमिंग फेस टू गाड़ी में हमारा साइड ब्लिंकर वायरिंग डायग्राम, जिसे हम इंडिकेटर भी बोलते हैं। आज हम फेस टू में गाड़ी में हमारा इंडिकेटर और हजार्ड वार्निंग स्विच, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा इंडिकेटर एक डिपर डंडी से, जिसे कॉम्बिनेशन स्विच बोलते हैं, उससे अलग अलग भी चलता है, और एक हजार्ड वार्निंग स्विच या जिसे हम 4x4 स्विच भी बोलते हैं, जिसके दबाने पे हमारे दोनों साइड के इंडिकेटर साथ में चलते हैं। तो उसके कनेक्शन किस प्रकार होते हैं, आज हम डिटेल में इसी के वायरिंग डायग्राम के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस संबंधित हमें दो जो चीजें जरूरत पड़ेंगी वो है हमारा हजार्ड वार्निंग स्विच हो गया, जो रेड कलर का होता है, जिसको दबाने पे हमारे दोनों साइड के इंडिकेटर चलते हैं। तो ये हमारा हजार वाली स्विच हो गया, ये कॉम्बिनेशन स्विच हो गया, ये हमारा VCM हो गया। VCM में आप सभी जानते हैं हमारे दो अलग अलग कपलर होते हैं। एक को अगर हम कपलर जो होता है, अगर हम कपलर खोलते हैं जहाँ पिन होते हैं वहाँ देखेंगे तो वो हमारा ब्लैक कलर का होगा, और एक हमारा ब्राउन कलर का होता है। तो हमारे इंडिकेटर के जो कनेक्शन है ये दोनों में जाएंगे। तो ब्लैक वाले में जो होगा आपको ब्लैक में चेक करना, जो ब्राउन में होगा वो ब्राउन में चेक करना पड़ेगा। और जो हमारा ये राइट साइड का इंडिकेटर हो गया, ये हमारा लेफ्ट साइड का हो गया। तो हमने ये सिर्फ एक ही लगाया है, राइट साइड में जितने कनेक्शन होंगे वो वायर आपस में जुड़ के सभी में जाएगी, चाहे वो पीछे हो, चाहे हमारे क्लस्टर मीटर में हो, या टायर के ऊपर होता है, या हेडलाइट के पास में होता है। तो राइट साइड की टोटल वो आपस में जुड़ के अलग अलग जाएंगी, और जो हमारा लेफ्ट साइड का हो गया। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमारा साइड ब्लिंकर यानी इंडिकेटर की वायरिंग डायग्राम किस प्रकार से काम करती है। से पहले अगर आपको इस वीडियो संबंधित आपके दिल में कोई भी डाउट हो तो आप बेफिक्र होकर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका हर डाउट क्लियर करने का। फिर भी अगर आपको हमसे कोई भी ऐसी बात करनी है जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते हैं, या आपको किसी भी गाड़ी के प्रॉब्लम में संबंधित हमसे बात करनी है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमसे परमानेंट, हमारे चैनल के साथ परमानेंट जुड़ना चाहते हैं तो, और हमारी मेंबरशिप प्लान लेना चाहते हैं, उसकी भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं और आपको अगर काम करते हुए पार्ट्स की भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हम उसकी भी आपको सपोर्ट करते हैं। आपको इंडिया के किसी भी कोने में जल्द से जल्द पार्ट प्रोवाइड करवाने की हम कोशिश करते हैं, ताकि आपको गाड़ियों में ज़्यादा काम करने में प्रॉब्लम ना हो, जल्द से जल्द हमारी जो गाड़ी है वो रिलीज हो। इससे संबंधित भी अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो आप स्क्रीन पर जो है नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा साइड इंडिकेटर का वायरिंग डायग्राम किस प्रकार होता है। पहले हम बात कर लेते हैं हमारे कॉम्बिनेशन स्विच की, कि कॉम्बिनेशन स्विच के हमारे कनेक्शन किस प्रकार होंगे। हमारे इसके अंदर तीन वायर देखने को मिलेगी आपको। यह हमारी एक वायर जाएगी सीधे ब्राउन वाले कपलर में VCM के, और एक हमारी जाएगी सीधी इशू पे। तीसरा जो वायर होगा हमारा, ये हमारा डायरेक्ट ग्राउंड आएगा इसके अंदर, जो भी होगा हमारा ब्राउन कलर का होगा। आप सभी जानते ही हैं हमारा कोई भी ग्राउंड का वायर हो कहीं पे भी, उसका कलर बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, हमारा ब्राउन कलर का वायर। आप देखिए, जैसे ही आपको लेफ्ट साइड राइट साइड का इंडिकेटर चालू करना है तो हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन स्विच को आगे पीछे पीछे की साइड में करेंगे। उसी प्रकार उसी टाइम हमारा जो कॉम्बिनेशन स्विच है, ये जो अर्थ आ रहा है वो हमारा कॉम्बिनेशन स्विच के अंदर ही इसमें आएगा, और यहाँ से हमारा अर्थ VCM पे जाएगा। VCM की कौन सी नंबर पिन पे जाएगा, 4E वाली पिन के ऊपर जाएगा। 4E के ऊपर जैसे ही हमारा अर्थ आएगा VCM के अंदर, ये लॉजिक डाला हुआ है, जब भी आपको यहाँ पर अर्थ मिला देगा तो आप क्या करेंगे, राइट साइड वाले इंडिकेटर को आप करंट सप्लाई करना चालू कर देंगे। तो ये यहाँ पर 24 वोल्ट की सप्लाई चालू करेगा। वो सप्लाई करने का सॉफ्टवेयर में लॉजिक क्या है,
आपको एक सेकंड के लिए सप्लाई देनी है, एक सेकंड के लिए बंद करनी है, एक सेकंड के लिए देनी है, एक सेकंड के लिए बंद करनी है। यानी हमारा VCM ही फ्लैशर का काम भी करेगा। BS4 में आप लोगों ने देखा होगा ये काम हमारा फ्लैशर करता है, करंट को देगा और काटेगा, करंट को देगा और काटेगा। BS6 गाड़ी में आपको फ्लैशर नहीं मिलेगा, हमारा फ्लैशर का जो काम है वो हमारा VCM ही करेगा। जैसे यहाँ पर अर्थ आया यूट्यूब के सॉफ्टवेयर में लॉजिक है, हमें इसमें करंट देना है। ये कौन सी वाली पिन में से करंट देगा? 4A में से देगा ये करंट। ये पिन नंबर किस प्रकार होती है वो भी हम आपको समझाएंगे। अभी आप ये पिन नंबर ध्यान रखिएगा और वीडियो के साथ में ही कॉपी में आप नोट करके रखिएगा। वीडियो के लास्ट में हम आपको स्क्रीनशॉट भी लेने का टाइम देंगे कि आप ताकि इसका स्क्रीनशॉट ले सके। दूसरा, जैसे हम लेफ्ट साइड के लिए करेंगे तो हमारा ये वाला अर्थ इधर घूमेगा और इसमें से हमारा अर्थिंग जाएगा ब्राउन कलर में, और ब्राउन कलर वाले कपलर में यहाँ से हमारा लेफ्ट साइड वाले में इंडिकेटर में 24 वोल्ट सप्लाई चली जाएगी और हमारा इंडिकेटर चालू हो जाएगा। ये भी सेम वही है, एक सेकंड के लिए करंट देगा और बंद करेगा, इसीलिए हमारा ये ब्लिंक करता रहेगा। इसकी जो हमारा कलर वो पिन नंबर होगी उसके ऊपर अब हम बात कर लेते हैं। चलिए, जैसे आप कॉम्बिनेशन स्विच से लेफ्ट साइड के इंडिकेटर के लिए कॉम्बिनेशन स्विच को चालू करेंगे तो हमारा इस वाली वायर से VCM के ब्राउन वाले कपलर पे 4K पे हमारा अर्थिंग आएगा। जैसे हमारा इसमें अर्थिंग आएगा हमारा 3M से आउटपुट निकलेगा हमारे इंडिकेटर लेफ्ट साइड के इंडिकेटर के लिए, तो उस प्रकार हमारा वो भी इंडिकेटर चालू हो जाएगा। अगर ये हमारा राइट साइड का हो गया, ये लेफ्ट साइड का हो गया, हम लिख भी देते हैं यहाँ पर ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड के राइट साइड के लिए ड्राइवर साइड के लिए इंडिकेटर ये हो गया, कनेक्ट साइड लेफ्ट साइड के लिए ये हो गया। और जैसे ही आप हजार वार्निंग को प्रेस करेंगे जहाँ से भी हमारा अर्थिंग यहाँ पर आएगा, ये हमारा आएगा G1 पे आएगा, राइट 1G के ऊपर आएगा ये। हमारे हजार वार्निंग में आपको दो ब्राउन कलर के देखने को मिलेंगे, यह हमारा ग्राउंड हो गया और एक हमारा पार्किंग का भी इसके अंदर वो होगा कलर होगा। आप सभी जानते हैं हमारा पार्किंग वाला जो कलर होता है वो ग्रे कलर का होता है, तो यह हमारा ग्रे कलर का वायर होगा। ये पार्किंग का करंट आएगा इसके अंदर और ये हमारा अर्थ हो गया। जैसे आपने इस स्विच को प्रेस करोगे ये जेनी का हमारा अर्थ इसमें आएगा, यहाँ से हमारा अर्थ जाएगा VCM में, VCM के ब्लैक वाले कपलर में 1G पर। जैसे ही 1G पे हमारा अर्थ आएगा, इशू VCM के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसके लॉजिक के हिसाब से जब भी आप यहाँ पर अर्थ दोगे तो वो इन दोनों में इकट्ठे में करंट देगा और छोड़ेगा, देगा छोड़ेगा और हमारा फ्लैशर का काम करने लग जाएगा। और इशू को मालूम है अगर मेरा सिर्फ इसमें आया तो मुझे खाली वहाँ पर सप्लाई देनी है, इसमें अगर अर्थ आएगा तो मुझे सिर्फ यहाँ पर सप्लाई देनी है। तो कोई खास ज़्यादा मुश्किल डायग्राम नहीं है, बहुत ही इजी डायग्राम है इसका। अब हम इनके वायरिंग कलर के ऊपर भी एक बार बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर हमारे वायरिंग कलर क्या क्या आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अब इसके वायरिंग कलर के ऊपर बात कर लेते हैं। जो हमारा हजार वायरिंग स्विच है वहां से जो हमारा वायर निकलेगा वो हमारा हरे के ऊपर पीले कलर का वायर होगा जो हमारे 1G पे जाएगा। और हमारे कॉम्बिनेशन स्विच में से हमारा जो ड्राइवर साइड का इंडिकेटर है उसके लिए जो हमारा अर्थिंग का वायर जाएगा वो भी हमारा हरे के ऊपर पीला होगा। लेकिन ये दोनों की जो पिन नंबर है वो अलग अलग है, तो वहाँ पर आपको बहुत से कलर ऐसे देखने को मिल जाएंगे, उनमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें पिन नंबर के हिसाब से ही दोनों हरे वायरों को पकड़ना पड़ेगा। जो हमारा लेफ्ट साइड का होगा वो हम आपको नीले के ऊपर पीला कलर देखने को मिलेगा। जो हमारा राइट साइड के लिए आउटपुट निकलेगा इंडिकेटर के जाने के लिए वो हमारा होगा हरे कलर का वायर होगा और हमारा लेफ्ट साइड का नीले कलर का वायर होगा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ही वायर ही है, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल डायग्राम नहीं है, आप इजीली इन चीज़ों को पकड़ सकते हो।
कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका ये इंडिकेटर नहीं चल रहा है, कोई भी वायर में प्रॉब्लम हो गई है तो ये नहीं चल रहा है, और आप यहाँ पर तो चेक कर रहे हो कि आपका अर्थ आ रहा है। मान लीजिए ड्राइवर ने आपको कहा कि मेरा लेफ्ट साइड का इंडिकेटर नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले बढ़िया चेक करने का क्या तरीका है, आप बीचम के यहाँ के कपलर को खोल लीजिए और डिप्पर डंडी से अर्थ वो इंडिकेटर चालू कर लीजिए और इस वाली पिन के ऊपर अर्थ चेक कर लीजिए, अर्थ आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है तो सबसे पहले आदमी क्या सोचेंगे, बीसम चेंज करना है, नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर यहाँ पर हमारा अर्थ आ रहा है तो भी ये इंडिकेटर नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारा ये वाला वायर कहीं पे भी शॉर्ट हो सकता है, लेफ्ट साइड में वो कहीं भी शॉर्ट हो सकता है, हमारे पीछे की लाइटों के आसपास हो सकता है, टेल वायरिंग में हमारे हेडलाइट के पास में जो होता है जो टायर के ऊपर लगता है, इंडिकेटर जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कहीं भी वायर शॉर्ट हो सकता है, तो हमारा सारी जगह ही सप्लाई बंद होगा। बीचम क्या करेगा, जैसी ही ये जहाँ पर करंट देगा इसको हाई वोल्टेज कंज्यूम यानी एकदम वोल्टेज खिंचता हुआ लोड पड़ेगा, ये सप्लाई काट देगा। क्यों, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अगर ये शॉर्ट होगा तो इसके अंदर भी तो रेडियो जैसी प्लेट होती है, आईसी होती है, वो उड़ जाएंगी, इसीलिए ये एक बार करंट देगा अगर शॉर्ट होगा तो बंद कर देगा। तो यह चीज आप अच्छी तरह दिमाग में बैठाइए, अगर यह अगर हमारी शॉर्ट हुई, जैसे आप इंडिकेटर चालू करोगे एक बार लाइट जलेगी और बंद हो जाएगी, अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा वायर कहीं ना कहीं पे शॉर्ट हो रहा है, हमें वही चीज चेक करनी है। अगर ये एक सेकंड के लिए भी नहीं जलता है तो फिर आप ये लगा सकते हो हमारी वायर में कहीं प्रॉब्लम है, वो शॉर्ट नहीं है, वो टूट गई है। शॉर्ट होगी तो हमारा एक सेकंड के लाइट जलेगी और बंद हो जाएगी, और बिल्कुल भी नहीं जल रही है तो फिर हमारी ये वायर है विषम, कुछ भी खराब हो सकता है। उस कंडीशन में आपको फिर डायग्राम के हिसाब से प्रॉपर चेक करना पड़ेगा कि हमारी कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी चेक करने का बढ़िया तरीका ये कपलर निकालोगे, यहाँ पर आपने करंट अर्थ देख लिया आ रहा है, आप इसी को एक बार डायरेक्ट अर्थ करंट दे के देख लीजिए, अगर शॉर्ट होगा तो आपका वायर वहीं पे चिंगारियां दे जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये ब्लिंक तो नहीं करेगा क्योंकि हम इस वाली वायर में डायरेक्ट करंट दे रहे हैं, हमारी लाइट परमानेंट जड़ जाएगी, तो हमारा यहाँ अर्थ भी आ रहा है, शॉर्ट भी नहीं है, लाइट भी जल रही है, सीधा सा मैटर है हमारा विषम खराब है। एक कपलर निकाल के आप तीनों चीजों को, दोनों चीजों को आराम से इजीली चेक कर सकते हो, ये आपको खुद भी चीजों को समझना पड़ेगा कि हमने एक ही बार में अर्थ भी चेक कर लिया, करंट भी देख लिया, आप तुरंत डिसीजन ले सकते हो नहीं मेरा विषम ही खराब है। यहाँ पर अर्थ नहीं आ रहा तो आप इस वायर की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, इसमें अर्थ जा रहा है या नहीं जा रहा, और विषम को ये कॉम्बिनेशन स्विच को चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका भी चेक करने का तरीका, जैसे हम आप इसका कपलर को हटाओगे इस कपलर पर अर्थ देख सकते हो या करंट दे के देख सकते हो, इनका हजार वाली स्विच खराब है, नॉर्मल है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए हम 10 सेकंड तक रुकते हैं, आप चाहें तो तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फ्रेंड वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट जरूर कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आई होप फ्रेंड आप अच्छी तरह ये वायरिंग डायग्राम को समझ चुके होंगे, फिर भी अगर आपके दिल में कोई भी डाउट हो बेझिझक होके आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे आपका हर डाउट क्लियर करने का। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर, तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।